मेरा मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बोलते लिफाफा, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन एक बार फिर लगी थी ऑटो चालकों की लाइनें, लेकिन पहले तिरंगा वहां पहुंचा। आज यहां राम नारायण वसूली नहीं करेगा बल्कि तिरंगा वसूली करेगा। लाओ ये नोट मुझे दो। तिरंगा, ये तुम क्या कर रहे हो? हफ्ता वसूली कर रहा हूं, लेकिन आज ये पैसा समाज के उस खतरनाक गुंडों की जेब में नहीं जाएगा जो इस पैसे का इस्तेमाल अपनी एयासी के लिए करता था। आज ये पैसा उस गरीब ऑटो चालक अमीर चंद की परिवार की रोजी रोटी बनेगा, जिसे राम नारायण ने मरवा दिया था। उसके बच्चों की फीस भरी जाएगी इस पैसे से, उसकी बहन की शादी में काम आएगा ये पैसा। लेकिन जब राम नारायण आएगा तो हम उसे हफ्ता कहां से देंगे? उसे हफ्ता तिरंगा देगा। वो देखो, हफ्ता उस ट्रक में है। ए, तुम उधर मुंह करके क्यों बैठे हो? क्या तुम एक नेक काम के लिए तिरंगा को पैसा नहीं दोगे? तिरंगा ने उसका मुंह जैसे ही अपनी ओर घुमाया कि भौचक्का रह गया। पुतला, ऑटो में चालक की सीट पर चालक के स्थान पर पुतला किसने बैठा दिया और क्यों? तिरंगा के समस्त जासूसी तंतु एक साथ ही एक्टिव हो गए। इसमें घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज आ रही है। ओह गॉड, टिक टिक टिक। तिरंगा द्वारा वहां से हटने में की गई एक क्षण की देरी उसके परकच्चे भी उस पुतले की तरह उड़ा गई होती। उफ, इसमें तो टाइम बम है, भागो बम फटा। ये काम निसंदेह राम नारायण का है। अभी भौचक्का सा खड़ा उस दृश्य को देख ही रहा था तिरंगा कि सर, ओह ये क्या? ये है राम नारायण की अदा। मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाला जिंदगी को कहता है विदा। खनाक, तिरंगा, बचने की तुझे अब ना कोई सुझेगी राह, तेरे मौत के बाद ना मिलेगा मौत का गवाह। ये तिरंगा है हत्यारे, ढूंढ लेता है बचने की ऐसी राह कि धाक, दुश्मन भी कौटते हैं वाह खट। वाह तिरंगा, वाह तिरंगा ने ढाल को एक नौ घुमाकर उसे धार युक्त करने के साथ ही काट काट डाले अपने बंधन। अब लहराया तिरंगा, इतने गवाह होंगे, इतनी गवाहियां होगी राम नारायण की। धड़ाक, तेरे धड़ कटघरे में होगा और सिर सलाखों के पीछे। धाड़, आई, अब तेरा खेल खत्म करने आ गया है तिरंगा। तिरंगा के स्वागत का पूरा इंतजाम करके आया था राम नारायण। मीटर डाउन कर दो इसका। तिरंगा देश की आन है, जान है, बान है। तिरंगा खत्म नहीं हो सकता, खत्म होगा उसे मिटा देने की कोशिश करने वाला। राम नारायण, तेरे लिए मैं हफ्ता इस ट्रक में लाया था। मारो मारो, उफ, बहुत पॉल्यूशन फैला चुके हो, बहुत पॉल्यूशन फैला चुका है ये, इसे जब्त कराकर यमराज की अथॉरिटी में पहुंचा दो। ओह, ऑटो के मंजे हुए चालक हैं ये, मुझे अपने शरीर से ऑटो को पूरी विंड स्क्रीन को ढक लिया है, जिससे ऑटो चालक सामने का दृश्य नहीं देख पाएगा। सामने का दृश्य देखने के लिए वो गर्दन बाहर निकालकर बाहर झांकेगा और उसी वक्त मेरी लात उसे दिन में तारे दिखा देगी। धाड़, और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा ऑटो रिक्शा के कर्तव्य। इस दौड़ में सिर्फ तिरंगा ही जीतेगा। धाड़ धाड़, एक और गया। धाड़, राम नारायण, आज तेरा भोंपू तिरंगा बजाएगा। आगे से हट जाओ बेवकूफो। धड़ाम, तिरंगा की निगाहें राम नारायण की ओर उठी। राम नारायण ऑटो में भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी इस भागदौड़ को मैं ज्यादा लंबा नहीं जाने दूंगा। अरे
तिरंगा पर गरीबी आ गई, वो ऑटो चला रहा है। हो ऑटो ऑटो आए, ऑटो खाली नहीं है, अरे हम पुलिस में शिकायत करेंगे, सवारी को मना कर दिया। रामनारायण पंटून पुल की तरफ जा रहा है, भागने की कोशिश करना बेकार है रामनारायण, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कड़ाक, ओफ, अब तो तेरा ऑटो भी तुझे धोखा दे गया रामनारायण, अब मैं तेरा चलान काटूंगा। रामनारायण ने पानी में छलांग लगा दी। अपना चलान कटवाने के लिए मैं तेरे हाथ नहीं लगूंगा तिरंगा। छपाक, तिरंगा कूदकर नौका पर पहुंचा, और ये मछली पकड़ने का नौका है ना, मगर आज तिरंगा इसे मछली नहीं पकड़ेगा बल्कि छपाक आदमी पकड़ेगा, यानी भागता अपराधी। हम फिर मैंने 24 घंटे में तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा दिया, और इस बार तुम्हारे जुर्मों की गवाही मैं नहीं दूंगा बल्कि गवाही देंगे वही खाली लिफाफे, उन लिफाफों पर जिन अपराधी लोगों के नाम पते हैं वो भी गवाही देंगे। अब तुम्हारी जमानत नहीं हो पाएगी रामनारायण। लिफाफों के बयान के बाद बचेगा मुर्गा पंडित भी नहीं, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे वो पैसा अमीर चंद के परिवार के पास पहुंचाना है जिसे मैंने ऑटो चालक से इकट्ठा किया है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है, मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस फेस्टिवल सीजन में अमेजन से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप अमेजन से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप अगर मेरे लिंक से अगर वहां पे अगर शॉपिंग करते हैं तो वहां पे मुझे कुछ क्रेडिट मिलेगा। ओके, इस तरह से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको आपके डिफरेंस में प्राइस के डिफरेंस में कोई भी डिफरेंस देखने का नहीं मिलेगा। ओके।